लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए एक और कदम उठाया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए की वृद्धि की है, यानी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यही नहीं, किसान अपनी उपज को सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य पर बेच सके, इसके लिए किसानों के पंजीकरण का काम भी पहली जनवरी 2024 से प्रारंभ हो चुका है। किसान गेहूं बिक्री से पहले किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, मोबाइल फोन और मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराना जरूरी है। जिन किसानों ने इस वर्ष धान बिक्री के लिए अपना पंजीकरण कराया था, उन्हें पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पंजीकरण का नवीनीकरण जरूर कराना होगा। गेहूं की खरीद 15 मार्च 2024 से 15 जून 2024 तक की जाएगी। यूपी के सीतापुर में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने इंडिया को बताया कि गेहूं बिक्री के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। किसान पंजीकरण हेतु अपना मौजूदा मोबाइल नंबर अंकित कराएं एवं एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि बिक्री के समय क्रय केंद्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण और आधार नंबर फीड कराना जरूरी है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।